प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुरुला बबीता है। मैं TSMS कुंडापाक मॉडल स्कूल में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? मेरी बात समझकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ना? अब इस कार्य को, इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? व्यक्त कर रहे हैं ना? क्या व्यक्त कर रहे हैं आप? अपना अपने मन की बात व्यक्त करना, यानी उत्तर देना, है ना? जी हाँ, तो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। यह अभिव्यक्ति अगर आप अपने स्वयं शब्दों में करोगे तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, स्वरचना, यानी स्वयं अपने मन से मन की बात कहना, है ना? इसी को हम पुस्तकी भाषा में क्या कह सकते हैं? जी हाँ, सृजनात्मकता कहते हैं, है ना? तो ये जो सृजनात्मकता होती है वह दो प्रकार की होती है, छोटे उत्तर के प्रश्न और बड़े उत्तर के प्रश्न, है ना? छोटे उत्तर के प्रश्न जो होते हैं 4 अंकों के लिए होते हैं, और बड़े उत्तर के जो प्रश्न हैं उनको 7 अंक होते हैं। तो आज हम अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्नों के उत्तर, जो कि निबंधात्मक होते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। यह वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में 3रा और 4था प्रश्न होता है, जो कि निबंधात्मक प्रश्न भी कहलाते हैं। इसके लिए 7 अंक निश्चित किए गए हैं। आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, इनमें से 1 का उत्तर आपको लिखना होता है। इनमें 3रा प्रश्न कविताओं से संबंधित होते हैं, और 4था प्रश्न गद्य पाठ, यानी पाठों से संबंधित होते हैं। पद्य विभाग में आप लोगों को 4 पाठ है, बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कनकन का अधिकारी, और भक्ति पद, है ना? भक्ति पद, ऐसे 4 पाठ हैं आपको। इन 4 कविताओं में से ही कोई भी 2 कविताओं के प्रश्न आपको आएंगे, उनमें से 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, है ना? उदाहरण के लिए मैं देती हूँ। पहला प्रश्न है, पहले पद्य से सावन में होने वाली वर्षा और प्रकृति का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा अगर प्रश्न आया है तो आपको बरसते बादल कविता को याद करके उसका उत्तर लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है, माँ मुझे आने दे, इस कविता से माँ मुझे आने दे कविता में किस सामाजिक और मानविक अपराध को दर्शाया गया है? और तीसरा प्रश्न है, श्रम करने वाले ही सबसे पहले सुख पाने के अधिकारी क्यों होना चाहिए? चौथा प्रश्न है, कविता पाठ से रैदास की भक्ति भावना को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार के कोई भी 2 कविताओं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। इनमें से 1 प्रश्न का उत्तर मैं बताती हूँ, इस प्रकार लिखना है। तो कविता का पहले हमें उस प्रश्न को किस कविता से लिया गया है उसे पहचानना होगा, पहचान कर उसके कवि कौन है, है ना? तो परिचय, 7 अंकों के लिए जो प्रश्न होते हैं उनको 3 परिच्छेदों में लिखिए। जैसे कि पहले परिच्छेद में आप कविता का नाम और लेखक का नाम लिखोगे, यानी यह प्रश्न इस कविता से लिया गया है और इसके कवि यह है, और उन्होंने इस कविता में क्या बताने की कोशिश की, ये पहला परिच्छेद रहेगा। दूसरा परिच्छेद होगा, उस प्रश्न को विश्लेषण कीजिए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो लिखिए। तीसरा परिच्छेद जो होता है उसमें इस प्रकार इस कविता में इस कवि ने इस
समाज के बारे में हो या मानवता के बारे में ऐसा ऐसा बताया गया है बोलकर तीसरे परिच्छेद में लिखना होगा। इस प्रकार अगर परिच्छेद करके आप लिखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। बाकी तीन आप स्वयं लिखिएगा। एक प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ और प्रश्न भी आपको अभ्यास के लिए दे रही हूँ, आप उनकी तैयारी करके रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, रहीम के उपदेशों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आने से अभी सभी क्यों प्रसन्न होते हैं, वर्षा ऋतु के आने से सभी क्यों प्रसन्न होते हैं, बरसते बादल पाठ के आधार पर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कन कन का अधिकारी कविता के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश दिया है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कन कन का अधिकारी कविता के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश दिया है। चौथा प्रश्न है, रैदास के पदों के आधार पर उनकी भक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, रैदास के पदों के आधार पर उनकी भक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार मैंने चार अधिक प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, अभ्यास कीजिए इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का। इस प्रकार हमें निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी करनी होगी जिससे आप 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आशा करती हूँ आपको मेरा ये कक्षा अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे वार्षिक परीक्षा में। इस उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।